ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar, namaskar. Today we read chapter 53 of the Aranyakandam, which is 26 verses. Sita reproaches Ravana. आज हम अरण्य कांड के त्रिपांच सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 26 श्लोक हैं। सीता का रावण को धिक्कारना। कम उत्पतंतम तम दृष्ट्वा मैथिली जनकात्मजा दुखिता परमोद्विग्ना भये महति वर्तिनी। रावण को आकाश में उड़ते देख मिथिलेश कुमारी जानकी दुख मगन हो अत्यंत उद्विग्न हो रही थी। वह बहुत बड़े भय में पड़ गई थी। रोष रोदन ताम्राक्षी भीमाक्षम राक्षसाधिपम रुदति करुणम सीता क्रियमाणा तम अब्रवीत। रोष और रोदन के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थी। हरी जाती हुई सीता करुणा जनक स्वर में रोती हुई उस भयंकर नेत्र वाले राक्षस राज से इस प्रकार बोली। Distressed and greatly alarmed to see the aforesaid Ravana, the Caesarian lord of ogres, of fearful eyes rising to the heavens, Sita, princess of Mithila, the daughter of Janaka, who was involved in a great risk of losing her honor and chastity, and whose eyes had grown red through indignation and weeping, spoke to him as follows, crying piteously while being borne away through the sky. न व्यपत्रपसे नीच कर्मणानेन रावण ज्ञात्वा विरहितां यो मां चोरयित्वा पलायसे। ओ नीच रावण, क्या तुझे अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती है जो मुझे स्वामी से रहित अकेली और असहाय जानकर चुराए लिए भागा जाता है। Do you not feel ashamed of this act, O vile Ravana? You who are having stealthily abducted me, knowing me to be alone, are fleeing away like a coward. त्वयैव नूनं दुष्टात्मन् भीरुणा हर्तुमिच्छथ मम ममापवाहितो भर्ता मृगरूपेण मायया। दुष्टात्मन, तू बड़ा कायर और डरपोक है। निश्चय ही मुझे हर ले जाने की इच्छा से तूने ही माया द्वारा मृग रूप में उपस्थित हो मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया था। Seeking to abduct me, surely it was you alone, O even-minded fellow, who caused my husband to be lured away by an ogre, appearing in the disguise of a deer through a conjuring trick, timid as you are. Yohi mam udyatastratum sopyam vinipatitah gridrarajah purano asau swasurasya sakhamama। मेरे शवशुर के सखा वे जो बूढ़े जटायु मेरी रक्षा करने के लिए उद्यत हुए थे उनको भी तूने मार गिराया। Even the yonder aged Jatayu, the king of vultures, a friend of my father-in-law, who actually strove to rescue me, lies killed there. परमं कलुते वीर्यं दृश्यते राक्षसादम विश्राव्य नामधेयं हि युद्धे नास्मि जिता त्वया। Indeed, the highest valor is seen in you, in that I have not been won by you in a combat with my husband, even after disclosing your name, O vile ogre. ईदृशं गर्हितं कर्म कथं कृत्वा न लज्जसे त्रियाश्च आहरणं नीचरहिते च परस्य च। How do you not feel ashamed even after perpetrating such a reproachful act as bearing away a woman, much more the wife of another, and that too in a lonely place where there is none to protect her? नीच राक्षस, अवश्य तुझमें बड़ा भारी बल दिखाई देता है क्योंकि तू बूढ़े पक्षी को भी मार गिराता है। तूने अपना नाम बताकर श्री राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता है। ओ नीच, जहाँ कोई रक्षक ना हो ऐसे स्थान पर जाकर पराई स्त्री के अपहरण जैसा निंदित कर्म करके तू लज्जित कैसे नहीं होता है। कथयिष्यन्ति लोकेषु
पुरुषाः कर्म कुत्सितं सुनृशंसम् अधर्मिष्टं तव शौटीर्यमानिनः। तू तो अपने को बड़ा शूरवीर मानता है, परंतु संसार के सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्म का घृणित क्रूरता पूर्व और पाप रूप ही बताएंगे। People will proclaim throughout the worlds the aforesaid act of yours, even though you pride yourself on your valor, as reproachful, extremely cruel, and most unrighteous. Dik te shauryam cha satvam cha yatvaya katitam tada kula kroshakaram loke dik te charitram idrisham. तूने पहले स्वयं ही जिसका बड़े ताप से वर्णन किया था, तेरे उस शौर्य और बल को धिक्कार है। कुल में कलंक कर लगाने वाले तेरे ऐसे चरित्र को संसार में सदा धिक्कार का ही प्राप्त होगा। Fie upon your valor and energy too, of which you spoke at that time, and accursed is in the world is such conduct of yours which brings reproach to your race. किम शक्यम कर्तुमेवं हि यत् जवेनैव धावसि मुहूर्तम अपि तिष्ठ त्वं न जीवन् प्रतियास्यसि। किंतु इस समय क्या किया जा सकता है, क्योंकि तू बड़े वेग से भागा जा रहा है। अरे दो घड़ी भी तो ठहर जा, फिर यहां से जीवित नहीं लौट सकेगा। Of course, what can be done just at this moment when you are flying with such speed? Halt you but for an hour or so and you will not return alive. Nahi chakshupatam prapya tayoho parthiva putrayoho sa sainyopi samartaha tvam muhurtamapi jivitum. उन दोनों राजकुमारों की दृष्टि पथ में आ जाने पर सेना के साथ हो तो भी तू दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता है। Having reached the range of sight of those two princes, Sri Rama and Lakshmana, you will surely not be able to survive even for an hour or so, no matter if you are followed by an army. Natvam tayoho sharasparsham sodum shaktaha katanchana vane prajvalitas eva स्पर्शम अग्निर विहंगमः। जैसे कोई आकाशचारी पक्षी वन में प्रज्वलित हुए दावानल का स्पर्श सहन करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार तू मेरे पति और उनके भाई दोनों के बाणों का स्पर्श किसी तरह सह नहीं सकता। You will in no way be able to bear the impact of the arrows any more than a bird is able to bear the impact of a blazing fire in the forest. साधु कृत्वा आत्मनः पत्यं साधु मां मुञ्च रावण मत् प्रदर्शन संक्रुद्धो भ्रात्रा सह पतिर्मम। रावण यदि तू मुझे छोड़ नहीं देता है तो मेरे तिरस्कार से कुपित हुए मेरे पतिदेव अपने भाई के साथ चढ़ आएंगे और तेरे विनाश का उपाय करेंगे। अतः तू अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। Therefore, duly considering your own welfare, you had better leave me alone, O Ravana. Enraged by my abduction, my lord, with his younger brother Lakshmana, will strive for your destruction if you do not let me go. Vidasyati vinashaya tvam mam yadina munchasi yena tvam vyavasayena balan mam hartumichasi. Neech tu jis sankalp या अभिप्राय से बलपूर्वक मेरा हरण करना चाहता है, तेरा वह अभिप्राय व्यर्थ होगा। Your sinister purpose for which you seek to bear me away by force, O mean fellow, will undoubtedly prove infructuous. व्यवसायस्तु ते नीच भविष्यति निरर्थकः नह्यहं तम अपश्यन्ति वर्तारं विबुधोपमम्। मैं अपने देवपम पति का दर्शन न पाने पर शत्रु के अधीनता में अधिक काल तक अपने प्राणों को नहीं धारण कर सकूंगी। For if, when fallen into the clutches of an enemy, I fail to behold my husband who vies with gods, I shall not be able to sustain my life for long. उत्सहे शत्रु वशगा प्राणान धारयितुं चिरं ननूनं चात्मनः श्रेयः पत्यं वा सम अवेक्षसे। मृत्युकाले यथा मर्त्योः विपरीतानि सेवते मुमूर्षूणां तु सर्वेषां यत्पत्यं त
तन्न रोचते। निश्चय ही तू अपने कल्याण और हित का विचार नहीं करता है। मैं जैसे मरने के समय मनुष्य स्वास्थ्य के विरोधी पदार्थों का सेवन करने लगता है, वही दशा तेरी है। प्राय सभी मरणासन्न मनुष्य को पथ्य हितकारक सलाह या भोजन नहीं रुचता है। Surely you do not look to your own immediate good or your lasting good, and even as a man who has reached the hour of death relishes objects which run counter to his interests, you also do the same. As a rule, that which is good for one's health does not find favor with all those who are about to die. पश्यामि इह हि कंठे त्वां कालपाशावपाशितं यथा च अस्मिन् भयस्थाने न बिभेति निशाचर। निशाचर, मैं देखती हूँ तेरे गले में काल की फांसी पड़ चुकी है, इसी से इस भय के स्थान पर भी तू निर्भय बना हुआ है। I know you to be caught in the noose of death by your neck indeed. In that you do not feel diffident in embarking on this risky adventure of abducting the virtuous wife of a hero, O prowler of the night. व्यक्तं किरण्मयां सह त्वं हि संपश्यसि महीरुहान् नदीं वैतरणीं घोरां रुधिरौघ विवाहिनीं खड्गपत्रवनं चैव भीमं पश्यसि रावण तप्त कांचन पुष्पां च वैडूर्य प्रवरच्छदाम्। रावण अवश्य ही सुस्वर्ण में वृक्षों को देख रहा है, रक्त का स्तोत्र बहाने वाले भयंकर वैतरणी नदी का दर्शन कर रहा है, भयानक असी पत्र वन को भी देखना चाहता है, तथा जिसमें तपाए हुए स्वर्ण के समान फूल और श्रेष्ठ वेद्युमणि नीलम के समान पत्ते हैं, और जिसमें लोहे के कांटे चिने गए हैं, उस तीखी शाल्मलिका भी अब तू शीघ्र ही दर्शन करेगा। Obviously, you are vividly viewing trees as made of gold and an unmistakable sign of approaching death. Nay, you are going to see in the future, O Ravana, the fearful river Vaitarani carrying a flood of blood in place of water, as well as the dreadful grove known by the name of Asipatravana, a hell of this name depicted as consisting of a cluster of trees or shrubs with leaves sharp-edged as a sword, and will behold a dentate salmali, a silk cotton tree containing flowers of heated gold and leaves of excellent cat's eye gems and bristling with thorns of steel. द्रक्ष्यसे शाल्मलीं तीक्ष्णाम् आयसैः कण्टकैश्चितां नहि त्वमीदृशं कृत्वा तस्यालीकं महात्मनः धारितुं शक्ष्यसि चिरं विषं पीत्वेव निर्गृण बद्धस्त्वं कालपाशेन दुर्निवारेण रावण। निर्दयी निशाचर, तू महात्मा श्री राम को ऐसा महान अपराध करके विषपान किए हुए मनुष्य की भांति अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेगा। रावण, तू अटल काल पाश से बंध गया है। Having done such a grievous wrong to the high soul Sri Rama, you shall not be able to survive long any more than on drinking poison. O merciless ogre, you are caught in the noose of death, which is difficult to repulse. O Ramana. क्व गतो लप्स्यसे शर्म मम भर्तुर्महात्मनः निमेषान्तरमात्रेण विना भ्रातारम् आहवे राक्षसा निहता येन सहस्राणि चतुर्दश कथं स राघवो वीरः सर्वास्त्रकुशलो बली। मेरे महात्मा पति से बचकर तू कहाँ जाकर शांति पा सकेगा, जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता लिए बिना ही युद्ध में पलक मारते मारते 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला। वे संपूर्ण अस्त्रों का प्रयोग करने में कुशल बलवान और वीर रघुनाथ जी अपनी प्यारी पत्नी का अपहरण करने वाले तुझ जैसे पापी को तीखे बाणों द्वारा क्यों नहीं काल में भेज देंगे। न त्वं हन्या चरैहि तीक्ष्णैहि पिष्ट भार्या अपहारिणं एतत् चान्यच्च परुषं वैदेहि रावणाङ्गगा भयशोकसमाविष्टा करुणं विललापः।
रावण के चुंगुल में फंसी हुई विदेही राजकुमारी सीता भय और शोक से व्याकुल हो ये तथा और भी बहुत से कठोर वचन सुनाकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। Transfer to which place will you get shelter from the rage of my high-minded husband? How will the aforesaid Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, a mighty hero who is adept in the use of all mystic missiles, not dispatch with sharp arrows you who are carrying away his beloved spouse? Having uttered these words and many other harsh words while still entrapped by Ravana, Sita, a princess of the Videhi territory, who was fully possessed with fear and grief, wailed piteously. So the tradition goes. तदा वृषार्तां बहुचैव भाषिणीं विलापपूर्वं करुणं च भामिनीं जहार पापः तरुणीं विचेष्टतीं नृपात्मजाम् आगत गात्र वेपतुः। अत्यंत दुख से आतुर और विलाप पूर्वक बहुत सी करुणा जनक बातें कहती और छूटने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा करती हुई तरुणी भामिनी राजकुमारी सीता को वह पापी निशाचर हर ले गया। उस समय अधिक बोझ के कारण उसका शरीर कांप रहा था। The villain, however, continued to bear away the lovely and youthful princess who was talking so much in a pathetic tone in the wake of crying, so distressed as she was, and was struggling hard all the time to get released, although a tremor ran through his limbs. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे त्रिपञ्चाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 53 in the Aranyakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। धन्यवाद। धन्यवाद।